Anyone can learn CPR. We have Harshita here, 16 years old in a high school, who saved her uncle's life. I'm Harshita Gupta. I'm 16 years old. I'm in Birla Vidya Niketan, Pushp Vihar. On 1st November, Dr. Aggarwal came to our school and he conducted a MTNL Perfect Health Mela where he told... CPR 10 क्या है? ये hands-on CPR है. इसका मतलब है कि मरने के 10 मिनट के अंदर earlier the better. जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है. At least for the next 10 minutes. कम से कम 10 मिनट तक मरे हुए पेशेंट की छाती को, चेस्ट को, सेंटर ऑफ द चेस्ट को 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से पंप करना है. On just 9 days after that, on 9th November, when my uncle came to home, he was not able to breathing. He fainted and fell down. Then when we reached to his home room, we found that he was not breathing, he was not responding. Then I remember Dr. Aggarwal told us that most generally sudden deaths happen because of heart attacks. Then I started pumping his heart with the speed of 100 pumps per minute. Then after 4-5 minutes he got up, he was starting breathing, he suddenly got up and then we took him to the hospital and now he is totally fine. He had undergone through angioplasty heart operation, there were 8 blockages in his heart arteries and now he is fine. We are really very thankful to Dr. K.K. Aggarwal, this all happened just because of him. Thanks doctor. नमस्कार, मैं मीना गुप्ता हूँ, हर्षिता गुप्ता की मदर. 1 तारीख को डॉक्टर के.के. अग्रवाल उनके स्कूल में आए परफेक्ट हेल्थ मेला के लिए और उन्होंने बताया कि कैसे हार्ट पंपिंग देके हम बचा सकते हैं. डॉक्टर अग्रवाल ने उससे ये भी कहा था यदि हम अपनी छाती पीटने की बजाय उस पेशेंट की छाती पीटे तो वो बच सकता है. 9 तारीख को इसके अंकल रात को घर आए, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनकी लाइफ ही शायद नहीं है, अब सांस नहीं ले रहे थे, ना बोल पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे, ना उनकी सांस चल रही थी. तभी इसने उनको हार्ट पंप करना शुरू करा. 1 मिनट में 100 बार, लाइक 4-5 मिनट तक करा तो एकदम से उनको शॉक लगा और वो उठ गए. फिर उनको हम हॉस्पिटल ले गए. जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, उनके काफ़ी मेजर ब्लॉकेज थे और अब हम उनको बचा पाए. और डॉक्टर अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद जिसके कारण हम उन्हें वापस पा सके. थैंक यू. आई एम पी.आर. गुप्ता. मैं हर्षिता गुप्ता का अंकल हूँ और मैरोडी में इनके बिल्कुल साथ में ही रहता हूँ. वहीं जो सुधीर गुप्ता जिसके बारे में बात चल रही है वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं. 9 नवंबर को उनको रात को हमारे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अनकॉन्शियस हो गए हैं तो हम फटाफट वहाँ गए घर पर. तो जब तक हर्षिता गुप्ता जो डॉक्टर अग्रवाल ने जो इनको ट्रेनिंग दी थी उसका वो यूटिलाइज कर चुकी थी और हमें मतलब ये बहुत देख के लगा कि वो ज़मीन पे लेटे हुए थे लेकिन वो सांस उनकी चल रही थी थोड़ी सी. इमीडिएटली ड्यू टू हर ओनली हर्षिता गुप्ता हमें पता लगा तो हम उनको इमीडिएटली उनको प्राइमरी जो उपचार देना था उनको हमने जाके जब ही हमारे नर्सिंग होम में ले गए बराबर में जहाँ उनको मिल गया. उसके बाद हम बड़े हॉस्पिटल में ले गए थे उनको. तो हर्षिता गुप्ता के कारण ही जो उसको ट्रेनिंग मिली थी उसके कारण ही हम उनकी लाइफ को सेव कर पाए.